सभी को मेरा प्रणाम। मैं करुणा, योग टीचर। आज हम आए हैं उल्लास नदी। देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये। इस नेचर का आनंद लेते हुए हम जानते हैं स्वीकार्यता के बारे में। सबसे सुसंस्कृत जीवन जीने का मार्ग एक ही है, वह है स्वीकार करना। स्वीकार्यता अर्थात स्वयं को प्रेम करना, अर्थात जैसे हम हैं उसे उसी रूप में स्वीकार करना। यह एक करार है जिससे आप स्वयं की ही प्रशंसा करते हो, मजबूत बनते हो और सहायता करते हो। स्वीकार्यता में आपको किसी परिस्थिति, आसपास के व्यक्ति, आशाएं और महत्वाकांक्षाओं का सामना करना पड़ता है। जब आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेंगे तब आपको स्वीकार्यता का एहसास होगा। देह अभिमान होने की निशानी यह है कि किसी चीज़ को स्वीकार न करना, चाहे वह टीका टिप्पणी हो, सुधार हो या फिर स्वयं की गलती सुधारने की स्थिति, या किसी दूसरे का आपसे अधिक बुद्धिमान होना, मजबूत होना। स्वीकार्यता से मन की स्थिति शांत रहती है। जब आप बात स्वीकार कर लेते हैं तब आप शांति का अनुभव करते हैं। अब मैं जो भी बोलूँगी वो सभी लोग अपने मन ही मन दोहराएंगे। मैं जैसी हूँ वैसे स्वयं को स्वीकारती हूँ। मैं स्वयं के प्रति न्याय अन्याय का तर्क नहीं करती हूँ और न ही स्वयं को अपराधी मानती हूँ। मैं हर एक के अद्वितीयपन और विलक्षणता को स्वीकार करती हूँ। मैं हर एक की विविधता की सुंदरता से खुश हो रही हूँ। मैं किसी में कोई दोष नहीं देखती हूँ। मेरे अंदर कोई भी अहंभाव नहीं है। मैं दूसरे व्यक्ति के अच्छेपन और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होती हूँ। मैं होने वाले परिणामों को स्वीकार करती हूँ। मैं वर्तमान क्षण में पूरे आनंद से रहती हूँ। इस कारण से मैं अतीत की बातों के तनाव से दूर रहती हूँ और मुझे भविष्य की कोई भी चिंता नहीं है। सच्चे अर्थ के साथ मैं हर चीज को स्वीकार करती हूँ। हर व्यक्ति और परिस्थिति का मैं सच्चे अर्थ से स्वीकार करती हूँ। हे ईश्वर, मुझे अपरिवर्तनीय बातों को स्वीकार करने की शक्ति दो। धन्यवाद।